नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से SSC GD की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के 2019 की परीक्षा में पूछे गए वे सभी प्रश्न जो कि किसी एक मीटिंग में पूछे गए हैं। और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो, यानी इससे पहले तीन वीडियो पहले से ही डाले जा चुके हैं, चाहे तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप प्रश्न को इसको एक मॉक टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो प्रश्न आने के साथ ही वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर दीजिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। रफ और पेन आप अपने साथ में लेकर बैठिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, आपको यही बताना है। तो श्रृंखला को सबसे पहले पकड़ा करिए, जब श्रृंखला एक मध्यम गति से बढ़े तो प्लस होने की संभावना है, श्रृंखला तेजी से बढ़े तो गुणा हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, श्रृंखला धीरे धीरे घटे तो माइनस हो सकता है, तेजी से घटे तो भाग की क्रिया हो सकती है, और भी कई तरीके की संभव क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल में ये मोटा मोटी आपको अंदाजा लगाना चाहिए। तो श्रृंखला एक मध्यम गति से कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस होने की संभावना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अंतर निकालना चाहिए, इन दो अंकों का अंतर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाल के नीचे लिखेंगे तो 20 में से 16 निकालेंगे तो 4। अब अगली दो संख्या ले लेते हैं, 36 में से 20 निकालेंगे तो 20 10 30 36 यानी कि 16 आएगा। फिर अब इन दो अगली संख्याओं को लेते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी 72 में 36 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 36। तो अब हमें बताना है कि यहां पर कितना अंतर होगा, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 16 का अंतर, इन दोनों के बीच में 36 का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं जो कि यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पे जो संख्या आएगी इन दोनों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए। तो आपके रीजनिंग का दिमाग कह रहा है कि ये लग रहा है कि 2 का वर्ग है, ये लग रहा है कि 4 का वर्ग है, और ये यानी कि 6 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, तो 2 का वर्ग फिर 3 नहीं 4 का वर्ग, फिर 5 नहीं 6 का वर्ग, तो अब 7 नहीं 8 का वर्ग होना चाहिए, यानी 8 64 इसका अंतर होना चाहिए। अंतर होने का मतलब क्या है, तो ये जो तीर मैंने बनाया है यानी कि 16 और 4 20, 20 और 16 36, 36 और 36 और 36 72, उसी तरह से 72 और 64 कितना होगा यही आपको जोड़ के बस बता देना है। तो 4 2 6 और 6 6 12 1 13, यानी आपका आंसर हो जाएगा 136, हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नॉन वर्बल रीजनिंग से है, तो ये वेन आरेख का प्रश्न है, तार्किक वेन आरेख का प्रश्न है। आप बताइए कि इसमें इन तीनों शब्दों के लिए कौन सा आंसर सही होगा। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, कुछ प्रश्न रीजनिंग में ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको GK की भी जानकारी चाहिए, है तो रीजनिंग का प्रश्न लेकिन GK की जानकारी नहीं होगी तो प्रश्न समझ में आते हुए भी आप सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है मुद्राएं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक हेडिंग विधि, हेडिंग विधि का मतलब जैसे फल हेडिंग है तो फल लिख के लिख दे, आलू प्याज भिंडी करेला, तो ये सब उसके अंतर्गत आने वाली चीज, इसी तरह से लिख दे फूल, तो फूल हेडिंग है, उसके बाद गुलाब कमल चमेली बेला, उसी तरह से मुद्राएं हेडिंग है और इसमें युआन चीन की मुद्रा है, बाह्यत या बाथ या ऐसा ही कुछ करके लिखा रहता है, ये कहाँ की मुद्रा है, तो ये थाईलैंड की मुद्रा है, यानी कि मुद्राएं हेडिंग है और इसके अंतर्गत ये सब मुद्राएं आई हैं। तो जब हेडिंग विधि रहे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला होता है, यानी कि एक प्लेट में 2 रसगुल्ला, मैं पिछले वीडियो में बताया था विस्तार से, आप समझ सकते हैं अगर देखे होंगे पिछले वीडियो को। तो अब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो या समरूपता का प्रश्न हो अक्षर वाला, तो इसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों की संगत संख्याएं याद होना चाहिए कि ए किस नंबर पे आता है, एल किस नंबर पे आता है, एम किस नंबर पे आता है, यानी सारी अक्षरों की संख्याएं याद होनी चाहिए तभी आप स्पीड में हल कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे लेकिन बात फंसेगी स्पीड की। कोई 25 प्रश्न को
आधे घंटे में सॉल्व करेगा और कोई 25 प्रश्न को 40 मिनट में सॉल्व करेगा और कोई 25 प्रश्न को 20 मिनट में भी सॉल्व करेगा। तो स्पीड की बात होती है। अब प्रश्न सॉल्व करना ही बहादुरी नहीं रह गया है। पहले जमाने में एक होता था कि प्रश्न जो सॉल्व कर देता था वो पास हो जाता था, लेकिन अब प्रश्न सॉल्व करने के साथ साथ अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप परीक्षा में पीछे रह जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। इस अक्षरों को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें और इसको, तो आपको समझते देर नहीं लगेगी, और समझते तब देर नहीं लगेगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते होंगे रीजनिंग की, कि इसमें सारे अक्षर वही हैं, बस इधर उधर हो गया, यानी कि अंतर के आधार पर नहीं है, विपरीत अक्षर के आधार पर नहीं है, बस अक्षर सारे इसमें दिख रहे हैं। देखिए बी भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं टी ए वाई एन सब दिख रहे हैं, बस इधर के उधर हो गए हैं, यानी कि अक्षर स्थानांतरण के आधार पर ये प्रश्न है। बस स्थानांतरण के इसी नियम का पता लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ज्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी दो दो अक्षर आपस में बदल जाते हैं, कभी कभी पूरा का पूरा शब्द ही पलट के लिख देता है, और भी कई प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इसमें बी ओ है दो अक्षर, तो इसमें ओ बी लिख दिया, यानी उल्टा हो गया। फिर इसमें टी ए है तो ए टी लिख दिया है, इसमें एन वाई है तो इसमें वाई एन लिख दिया है। तो आप ज्यादा देखेंगे तब समझ में आएगा। मैं तो जल्दी ही से बता दिया हूं क्योंकि मैं पहले से इसे सॉल्व कर चुका हूं। अब इसमें भी तब उसी तरह से डबल ओ है तो ये आपस में बदलेगा तो पता ही नहीं चलेगा। फिर ये जो एल ओ है तो ओ एल हो जाएगा, जी वाई है तो वाई जी हो जाएगा। अब इसे ही ट्रिपल ओ एल वाई, ट्रिपल ओ एल वाई नहीं है, ट्रिपल ओ नहीं है, ट्रिपल ओ एल वाई जी, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अब ये प्रश्न आ गया न्याय वाक्य का। तो बिना देर किए हुए हम लोग चित्र विधि से आंसर लगाते हैं। कुछ वाइंस कुर्सियां हैं, तो कुछ का मतलब ऐसा चित्र बनाना रहता है, कुछ वाइंस क्या है, तो आप शार्ट में भी ऐसे कू लिख के छोड़ दिया करिए, कुर्सियां हैं। फिर सभी कुर्सियां ड्रम्स हैं, सभी कुर्सियां जो हैं ड्रम्स हैं, कोई बात नहीं। अब आंसर निकालते हैं हम लोग, सभी कुर्सियां वाइंस हैं। तो याद रखिए जब भी सभी वाला चित्र होता है तो ऐसा ही चित्र बनता है सभी वाला। सभी वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब ऐसा कुएं वाला चित्र बनेगा। और दूसरा शब्द शर्त ये है, दूसरा शर्त इसका कि जो सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द है, यानी सभी के बाद जो लिखा शब्द है, यानी सभी कुर्सियां भीतर अगर होगा तभी सही होगा, और बाहर वाले वृत्त में बचा हुआ शब्द, यानी कह सकते हैं कि लिखा है सभी कुर्सियां लेकिन छोटे वृत्त में होना चाहिए, बचा हुआ शब्द बड़े वृत्त में होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे कुर्सियां और वाइंस को देखिए, कुर्सियां ये है और वाइंस ये है, तो वाइंस और कुर्सियां इसमें ऐसा वाला चित्र बनना है जबकि बनना चाहिए था ऐसा चित्र। ये कुछ कुछ वाला चित्र है, ये सभी वाला चित्र है, सभी वाला बनना चाहिए था लेकिन कुछ कुछ वाला बना है, यानी कि पहला निष्कर्ष कुल मिला के गलत है। मैं जितना समझा रहा हूं उतना समझाने वाला ये प्रश्न खैर है नहीं, लेकिन मैं अपने आदत से मजबूर हूं। कुछ ड्रम्स वाइंस है, ड्रम्स और वाइंस में ऐसा संबंध होना चाहिए, या कुछ ड्रम्स वाइंस है तो ऐसा भी हो सकता है लेकिन ड्रम्स बाहर वाले में और वाइंस भीतर वाले में। कुल मिला के हम लोग डायरेक्ट इसमें देखते हैं ड्रम्स और वाइन कहां है, तो ड्रम्स ये है और वाइंस ये है। तो ड्रम्स और वाइंस में देखिए इतना भाग जो है, इतना भाग ये ड्रम्स है और ये वाइंस है, तो इतना भाग कुछ कुछ वाला है, तो कुछ ड्रम्स वाइंस है, ये सही है, यानी दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी कि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, हमारा आंसर हो जाता है सी। बताने में अगर मुझे एक मिनट लगा है तो आपको सॉल्व करने में 15 ही सेकेंड लगेगा, ये मान के चलिए। ये प्रश्न ऐसा था कि आप 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं ले पाएंगे इसको, अगर आप प्रैक्टिस किए अच्छे खासे तो। अब ये प्रश्न जो है ये समरूपता का है, तो समरूपता ये देख लिए आप, अनुपात समानुपात या ऐसा ही शब्द, यानी अनुपात नहीं भी दिया है समानुपात तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां देखिए। तो ज्यादा तो अंतर के आधार पे होता है, तो एफ जी है तो जी के बाद एफ नहीं आता है, जी से पहले आता, कितना पहले आता है ये समझने के लिए आप इधर से इधर अब तीर चला दीजिए, ताकि आपको उल्टा ए बी सी डी ना पढ़ना पड़े, उल्टा वर्णमाला ना पढ़ना पड़े। तो एफ के तुरंत ही बाद जी आ गया, यानी कि माइनस एक है। अब के बाद भी आई भी नहीं आता है, तो इधर से इधर ही पढ़िए आराम रहेगा, के बाद जी एच आई जे के, यानी कि माइनस दो है। अब एम के बाद ओ के बाद एम, तो ओ के बाद एम नहीं, यानी ये लग रहा है कि प्लस में है। एम के बाद एन ओ, इधर चले तो समझिएगा प्लस,
इधर चले तो आप समझिएगा माइनस, तो m के बाद n o यानी कि प्लस दो, जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़ के गिनते हैं, जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर गिनते हैं। जैसे m से चले तो m को छोड़कर गिनेंगे और o को लेकर, तो m को छोड़कर गिनेंगे तो n o यानी कि दो, यानी कि माइनस एक माइनस दो प्लस दो। तो हमारा आंसर सबसे पहले माइनस, तो d से पहले क्या आता है, i से पहले क्या आता है, तो d आता है, i में से दो घटाना है तो g आएगा, एच आई पढ़ के भी आप चेक कर सकते हैं या इस तरह से भी लगा सकते हैं, आई आता है नौ नंबर पे, नौ में से दो निकालेंगे तो सात, सातवां अच्छा जी होता है। अब के में दो बढ़ाना है तो बढ़ाना बहुत आसान है, जहां से चलते हैं उसको फिर छोड़ के बाद एल एम यानी कि डी जी एम, डी जी एम पहला विकल्प ही हमारा सही हो जाता है, आंसर हो गया ये, यहां पर आंसर है, यहां पर देखिएगा। देखिए एसएससी जीडी की परीक्षा हो या यूपी पुलिस की परीक्षा हो या ग्रुप डी की परीक्षा हो, प्रश्नों के पैटर्न में बहुत जमीन और आसमान का अंतर नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। यूपीएसआई की परीक्षा की बात की जाए तो थोड़ा सा ज्यादा ही अंतर हो जाएगा, फिर भी ऐसा नहीं है कि ये सब सारे प्रश्न जो है यूपीएसआई के किसी काम के नहीं है, इसी पैटर्न पर आधारित होता है, थोड़ा सा उसमें कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे आसान भी होते हैं। अब इसमें खाली स्थान पर बताना है क्या क्या आएगा, तो देखिए ज्यादातर में कभी ऐसे ऐसे करके आंसर नीचे की तरफ गिरता है, ऐसे ऐसे करके आंसर नीचे की तरफ, इसमें और इसमें कुछ करने से आंसर नीचे की तरफ, और कभी कभी इसमें और इसमें कुछ करने से आंसर दाईं तरफ, इसमें और इसमें करने से आंसर दाईं तरफ, कभी इसमें और इसमें करने से आंसर बाईं तरफ, इसमें और इसमें कुछ करने से आंसर बाईं तरफ। तो जिधर बड़ी संख्या रहे, देखिए सब में नीचे ये छोटे छोटे अंक, नीचे बड़ी संख्या, छोटे छोटे अंक नीचे बड़ी संख्या, छोटे अब यहाँ पर कैसा अंक बड़ी संख्या, तो ज्यादा उम्मीद है जिधर बड़ी संख्या रहे उसके विपरीत से चले, यानी कि इन दोनों में ही कुछ ऐसा कलाकारी करिए कि 27 आ जाए, इन दोनों में कुछ ऐसा कलाकारी करिए कि 27 आ जाए, और उसी विधि से यहाँ पर 65 भी आ जाना चाहिए। तो 6 में 3 जोड़ने से 27 नहीं आएगा, 36 के तभी 27 नहीं आएगा, तो 6 के 36 यानी कि वर्ग कर रहे हैं, तितली के 9, अब 36 में से 9 घटा देने से हाँ 27 आ जा रहा है, उसी तरह से 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 16, 49 में से 16 घटाने पर 33 आ जा रहा है, यानी कि 9 = 81, और 81 में कितना का वर्ग घटा दें कि 65 आ जाए, तो आप चाहें तो 65 घटा के देख लीजिए, तो यहाँ पर 16 आ रहा है, तो 16 आने का मतलब जैसे यहाँ 9 आने का मतलब 3, 16 आने का मतलब 4 है, तो उसी तरह 16 आने का मतलब यहाँ पर 4 है, चाहे तो आप विकल्प से भी चेक कर सकते हैं एक एक रख के, तो 4 × 4 = 16, 9 × 9 = 81, आप चाहें तो चेक कर लीजिए, 81 में 16 निकालने से 65 अगर आ जा रहा है तो आपका आंसर सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है ए। कई तरीके हैं विकल्प से भी चेक करके आप ला सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न हैं बड़े से तो हैं लेकिन देख के घबराना नहीं है, खास तौर से एसएससी जीडी में, क्योंकि बड़े तो हैं लेकिन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये फालतू की लाइन है, इसके बाद ही ये लिखा हुआ था तो मैं बड़ा दिखने के लिए इधर उधर कर दिया हूं, तो इसके बाद ये वाली लाइन यहां आ जाती है, तो जेके एल एम एन ओ 6 शिक्षक हैं, इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कला में अलग अलग विषय पढ़ाता है, जरूर नहीं कि इसी क्रम में, तो सही बात है इसी क्रम में पढ़ाएगा तो प्रश्न कैसे बनेगा। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच पढ़ाता है, यानी कि रविवार बस छोड़ देता है, रविवार को छुट्टी होती होगी, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार तक क्लास चलता है, रविवार को छुट्टी होगी, बीच में केवल एक दिन ही पढ़ाता है, यानी कि बाकी यानी जितने शिक्षक हैं एक ही विषय पढ़ाते हैं, एक ही दिन पढ़ाते हैं, और लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, तो ऐसा सब में लिखा रहता है। असली लाइन यहां से शुरू होती है, तो अब देखिए इसमें क्या करना होता है, कैसे आप प्रश्न को थोड़ा सा आसान बनाएंगे, हमारा काम ही होता है कि प्रश्न को कैसे आसान बनाया जाए। तो हेडिंग विधि आप फॉलो करिएगा, हेडिंग विधि का मतलब देखिए, या तो शिक्षकों का जो नाम है जेके एल एम एन ओ इसको आप हेडिंग के रूप में ऊपर लिख लीजिए, या विषय जो है उसको हेडिंग के रूप में ऊपर लिख लीजिए, या जो दिन है उसको ऊपर हेडिंग के रूप में लिख दीजिए। तो मैं यहां पर दिनों को हेडिंग के रूप में बना रहा हूं क्योंकि दिन एक क्रम से चलते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार,
तो ये क्रम टूट नहीं सकता, इसलिए मैं यहां पर दिन को हेडिंग बनाता हूं। तो सोमवार से क्लास शुरू होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार या इसको गुरुवार कहते हैं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। उसके बाद रविवार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रविवार को तो छुट्टी है। तो ये लिख दिया हमने हेडिंग, इसको बना लिया। आप भी ऐसे ही हेडिंग बना लीजिए, ये हेडिंग ऐसे, या चाहे तो कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। अब यहां पहली लाइन में लिखा है जे शनिवार को कला पढ़ाता है, ठीक है। कहां है शनिवार? यहां पर जे जो है इस दिन जे पढ़ाता है, इसको काले से मैं लिखता हूं। जे जो है शनिवार को क्या पढ़ाता है? कन्फर्म हो गया एकदम जानकारी की कला पढ़ाती, यानी इनकी जानकारी तो एकदम स्पष्ट हो गई, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं है। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, परंतु वह गुरुवार को पढ़ाता है, ये कन्फर्म है। जे एल जो है, देखिए एल जो है गुरुवार को पढ़ाता है, तो यहां पर पहले लिख देते हैं हम लोग एल, ये भी जानकारी कन्फर्म है कि ये गुरुवार को पढ़ाता है। लेकिन क्या नहीं क्या पढ़ाता है ये नहीं बताया गया। सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाता है, लेकिन न तो अंग्रेजी और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो ऐसा नहीं कि लिखना नहीं, यहां पर लिख दीजिए सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, और लिख कर काट दीजिए, यानी कि यहां पर कभी भी गलती सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है एल ना तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन वो गुरुवार को पढ़ाता है, इसलिए यहां पर हमने एल लिख दिया। अब ये स्पष्ट जानकारी नहीं कि यहां पर कौन सा विषय लिखा जाएगा। अब बुधवार के द्वारा पढ़ाए जाने के लिए गणित के लिए आरक्षित है, यानी बुधवार को कौन पढ़ाता है? तो के पढ़ाता है। बुधवार के पास हम लोग लिख देते हैं के, और क्या पढ़ाता है? तो देखिए क्या पढ़ाए जाने के लिए आरक्षित है, तो गणित पढ़ाए जाने के लिए आरक्षित है, यह भी कंफर्म जानकारी है, यानी यहां पर गणित रहेगा, यह भी जानकारी स्पष्ट होगी। इसको गोले में घेर दे रहे चौकोर में। ओ जो है एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, ओ की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ओ की जानकारी दे रहा है। ओ क्या करता है? एक दिन पहले ही पढ़ा लेता है, यानी अगर ये बृहस्पतिवार को कोई पढ़ाता है तो वो बुधवार, वो शुक्रवार को पढ़ाता है तो वो बृहस्पतिवार को, अगर शनिवार को तो वो बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, यानी वो एक दिन पहले पढ़ा लेता। किससे? तो एन से। क्या? तो विज्ञान। तीन बातें हैं, वो पहले पढ़ा लेता है किससे? एन से। वो जो है एन से पहले पढ़ा लेता है। तो देखिए अगर हम वो, अगर एन यहां लिखेंगे तो वो लिखने के लिए यहां पर जगह ही नहीं है, क्योंकि ओ जो है एन से ठीक पहले चाहिए। देखिए ओ एन से एक दिन पहले, यानी ओ अगर यहां लिखेंगे तो ओ से ठीक पहले, ओ जो है एन से ठीक एक पहले है, तो एन से एक ठीक पहले इधर लिखना पड़ेगा। ओ यहां लिखते हैं तो ओ जो है एन से ठीक पहले यहां लिखना पड़ेगा, अगर एन यहां लिखते हैं तो एन से ठीक पहले ओ यहां लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है क्योंकि दिन जो है आगे बढ़ रहा है तो पीछे ही पहले ही पढ़ा ले रहा है, ओ जो है एन से एक दिन पहले पढ़ा ले रहा है, तो यहां एन लिखेंगे तो यहां ओ लिखने के लिए जगह नहीं है, यानी कि मजबूरी है कि हमें यही लिखना पड़ेगा। ओ जो है एन से एक दिन पहले पढ़ा ले रहा है, अब पढ़ के देखिए तो समझ में आएगा, यानी एन पढ़ा रहा मंगलवार को तो एन से एक दिन पहले ही, यानी सोमवार को ही ओ पढ़ा ले रहा है, यही बात यहां पर लिख रहा है। ओ जो है एन से एक दिन पहले पढ़ा ले रहा है, और क्या? तो विज्ञान। किसको जानकारी है? तो ओ की जानकारी, न कि एन की, याद रखिएगा। ओ जो है एन से एक दिन पहले क्या पढ़ा ले रहा है? तो विज्ञान। तो यहां पर आप लिख दीजिए विज्ञान, और यह भी कैसी जानकारी है? तो एकदम स्पष्ट और क्लियर जानकारी है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान एक दिन पहले है किससे? कला से। तो सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले है, यानी कला यहां है तो कला से एक दिन पहले कौन सा है? तो सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान पहले का मतलब कला शनिवार को है, यानी कि सामाजिक विज्ञान एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को है। अब ये कौन है? तो देखिए ओ हो गया, एन हो गया, के हो गया, एल हो गया, जे हो गया, तो कौन सा नाम बचा है? तो यहां से अब इसीलिए दिया रहता है कि ढूंढ लीजिए जे के एल एम एन ओ में से कौन सा बचा है, जे के एल एम एम बचा है। तो यहां पर आप आराम से एम लिख सकते हैं क्योंकि अब कोई अक्षर यानी कि नाम कोई भी बचा हुआ नहीं है।
अब बच गया सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और एक कौन सा विषय बचा है, तो विज्ञान बचा है, विज्ञान भी हो गया है, कौन सा बचा है, गणित, हिंदी बचा हुआ है, हिंदी बचा हुआ है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी यहां नहीं रहेगा, सामाजिक विज्ञान भी यहां नहीं रहेगा, अंग्रेजी भी यहां नहीं रहेगा, और चूंकि यहां पर सामाजिक विज्ञान हो चुका है तो सामाजिक विज्ञान की तो खैर अब बात ही नहीं करना है, अब बात है क्योंकि सामाजिक विज्ञान यहां हो चुका है तो सामाजिक विज्ञान की तो कोई बात ही नहीं, तो अंग्रेजी यहां नहीं रहेगा। तो और कौन सी जगह खाली ही बची, और कौन सा सीट खाली, ये सीट बुक हो गया, 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 तो अंग्रेजी जब यहां नहीं रहेगा तो एक ही सीट खाली है यहां पर, तो अंग्रेजी मजबूरी है कि हमें यही लिखना चाहिए अंग्रेजी। अभी ये भी जानकारी फुल हो गई। अब अंग्रेजी के अलावा अब कौन सा विषय बचा है, हिंदी, तो आप यहां पर आराम से मिटाना नहीं चाहिए, मैं मिटा के लिख दे रहा हूं, आप मिटा नहीं पाएंगे हिंदी। अब सारी जानकारी फुल हो गई, अब प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बिल्कुल आराम से। पूछ रहा है विज्ञान और गणित, विज्ञान और गणित पढ़ाए जाने वाले दिनों के बीच में आने वाले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, यानी कि विज्ञान और गणित के बीच में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो ये है विज्ञान आपका और ये है गणित। विज्ञान और गणित के बीच में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको, विज्ञान गणित के बीच में अंग्रेजी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको किसी को परीक्षा हाल में बैठ के समझाना नहीं रहेगा, अपने ही समझना रहेगा, और आप लोग काफी समझदार हैं, पढ़ेंगे कम समझेंगे ज्यादा, लगाएंगे कम टिक मारेंगे सही उत्तर पे ज्यादा। अब यहां पर मैंने उसका क्या कहते हैं निर्देश काट दिया है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो ये खाली स्थान है उसको किस चित्र के द्वारा भरा जा सकता है, तो ध्यान से इस चारों पार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइनिंग गई हुई है ये पूरी पूरी है, ये पूरी पूरी लाइनिंग गई, यहां से सीधे यहां तक, यहां से सीधे यहां तक, कहीं भी ये लाइन आया तो पूरा लास्ट तक, ये लाइन आया तो पूरा लास्ट तक, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे देखिए, ये वाला पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये लाइन ऐसे एक चाहिए था, ये इसमें है ही नहीं, ये तो पहले ही कट गया इसी के चलते। अब बाकी सब में ये लाइनिंग है, लेकिन ये लाइनिंग के साथ साथ इसमें दिक्कत क्या है, तो देखिए ये वाली लाइन है यहां पे और यहां पर ये भरा रहना चाहिए, लेकिन ये यहां पर खाली है, यहां पे यहां तक आना चाहिए था, तो ये होगा ही नहीं। और उसके बाद ये लाइन यहां पर छूटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है क्योंकि ये पूरा पूरा हमें चाहिए था। अब इसमें बताना है कि बिंदुवार जो है इसको मोड़ने पर बीच से कैसी आकृति बनेगी, तो कल्पना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वृत्त कहां से आ गया, वृत्त तो आना ही नहीं चाहिए था, ऐसे ही पकड़ में आ रहा है, गलत है, इसमें ये चौकोर जैसा क्या आ गया, ये भी आ ही नहीं सकता है कभी। अब इन दोनों में देखेंगे तो एकदम सीध में है एक दूसरे के, तो ये दाएं बाएं नहीं बनेगा, यानी ये बनेगा, लेकिन इसको आप गुड़े के रूप में मत देखिएगा, ये त्रिभुज के रूप में इसे देखिए, एक त्रिभुज ऊपर मुख का है और एक त्रिभुज नीचे मुख का है, तो ये वाला जब पलटेगा तो ऊपर मुख की तरफ एक त्रिभुज आ जाएगा, ये तो नीचे है ही, यानी ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो याद रखिएगा जो लंबवत दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है तो उसमें दो बातें ध्यान रखना है आपको, जो भी अक्षर की यहां पे बात हो रही है तो अक्षर के बारे में बता रहा हूं, तो अक्षर अपने स्थान पर भी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पलटते हैं, और पूरा का पूरा भी दाएं से बाएं पलटते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है से लिखा हुआ है, या ए लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है, तो डी तो अपने स्थान पर ऐसे पलटेगा और सी इधर मुंह है तो इधर मुंह होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, अपने स्थान पर भी अगर यहां दर्पण रखा हुआ है तो डी बाएं साइड में है तो डी दाएं साइड में हो जाएगा, और अपने स्थान पर भी पलट जाएगा, सी दाएं साइड में है तो बाएं साइड में हो जाएगा, लेकिन बाएं साइड में नहीं बल्कि पूरा पूरा पलट भी जाएगा, यानी कि दो दो परिवर्तन होता है, एक अपने स्थान पे और एक पूरा का पूरा, यानी यू जो है बाएं साइड में है तो यू दाएं साइड में चला आएगा, लेकिन यू दर्पण प्रतिबिंब में भी वैसा ही दिखता है, तो पलटेगा तो जरूर लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद पी जो है बाएं साइड में ही है तो इस बार दाएं साइड में आ जाएगा, लेकिन दाएं साइड में ही आके लेकिन ऐसे सीधे ही नहीं रहेगा,
इसका मुंह जो है दाएं साइड से बाएं साइड चलाएगा। अब आर जो है तो इसके ठीक बगल में आर तो होगा, तो केवल दाएं से बाएं से दाएं नहीं आएगा बल्कि अपने स्थान से भी ऐसे पलट जाएगा। फिर आई तो परिवर्तन होगा लेकिन पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन पता नहीं चल रहा। फिर एच भी परिवर्तन होगा पता नहीं चलेगा, टी भी परिवर्तन होगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसा देखिए टी एच सही है, जी इसमें इसका जो टांग है ऊपर कर दिया है, जी का टांग ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये जल प्रतिम नहीं है दर्पण प्रतिम है, इसलिए ये जी के चलते ही यहीं पे कट गया। टी एच जी सही है, आई सही है, आर सही है, पी सही है, यू सही, यानी आंसर हो गया बी। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, हर चीज में ज़्यादा विस्तार से देखने लाएंगे तो फिर कुछ प्रश्न आपके छूट सकते हैं। सात मित्र हैं, सेवन मित्र, ओ पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंक्ति हम यहीं पे बना लेते हैं, ये पंक्ति तैयार हो गई। तो पंक्ति में अब नीचे देख रहे हैं कि ऊपर, तो आप प्रश्न सॉल्व करते समय आपका चेहरा उत्तर की तरफ होगा तो आप सबका चेहरा उत्तर के ही तरफ मान के चलिएगा ताकि आपको दाएं बाएं बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। एस अंतिम छोर पे बैठा है, तो अंतिम छोर ये भी है, अंतिम छोर ये भी है, तो किधर बैठा है वो आगे क्लियर हो जाता है, आगे प्रश्न में क्लियर हो जाता है। तो अभी बैठाइए मत, अगर आपको ज्यादा चुल्ल मट्टी है बैठाने की तुरंत, तो एस इधर भी लिख दीजिए, एस इधर भी लिख दीजिए। अब आगे लिख रहा है कि क्यू जो है एस के दाईं ओर है, दाईं ओर नहीं, दाईं ओर तो है लेकिन दूसरे स्थान पर दाईं ओर है, यानी कुल मिला के क्यू जो है एस के दाईं तरफ है। तो अगर इसको अगर आप सही मान लेंगे, अगर इसको सही मान लेंगे तो इसके दाएं क्यू को बैठा नहीं सकते क्योंकि ये सबसे खुद लास्ट में बैठा रहेगा, यानी ये वाला एस नहीं हमारा सही हो पाएगा। इस वाले एस को अगर हम लोग मान लेते हैं तब हमारा काम बन जाएगा। अब क्यू जो है एस के दाएं हाथ की तरफ बैठ सकता है लेकिन दूसरे स्थान पर, तो एक छोड़ के यहां पर हम लोग क्यू को बैठा सकते हैं। और ये दूसरा है, ऐसा लिखने की कोई खैर कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे ये याद आएगा कि इसके बीच में आप कोई और लाइन मत बैठाएगा, सिर्फ एक ही लाइन है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा, आप कोई नहीं बैठेगा, बस इससे यही पता चलेगा। पी ओ और क्यू के बीच में है, पी जो है ओ और क्यू के, तो पी अगर यहाँ बैठा दे तो एक तरफ तो क्यू मिलेगा लेकिन एक तरफ ओ नहीं बैठ पाएगा क्योंकि इधर एस आपको बैठने नहीं देगा। तो पी जो है क्यू और एक तरफ क्यू है इसके और एक तरफ है ओ। देखिए फिर से, पी जो है ये वाला पी, ये पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो ओ और क्यू के बीच में हो गया। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि यू जो है अंतिम छोर पर नहीं है। तो कितने लोग हैं टोटल? सात लोग, तो एक दो तीन चार पांच, एक छह, एक दो तीन चार पाँच छः, एक लोग और बनेंगे, इधर ही बनाना पड़ेगा सात। तो कह रहा है कि यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं, तो ये तो अंतिम छोर बुक है कुल मिला के, यानी कि यू इधर नहीं बैठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ना बैठे। आर जो है टी के बाईं ओर बैठा है, आर जो है टी के बाईं ओर बैठा है, तो आर यहां बैठा देते हैं किसके, टी के, टी के बाईं ओर आर हो गया। अब चूंकि यू को किनारे नहीं बैठना था इसलिए यू को हम लोग यहां बैठा देते हैं, इसको भी कोई दिक्कत ना हो। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस और क्यू, तो एस ये है और क्यू ये है, एस और क्यू के बीच में बाबा जी कौन बैठे हैं, ये तो यू है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें बताना है कि असंगत कौन है, यानी अलग छाटना है। तो अलग छाटने वाले में ज्यादातर ऐसा होता है 90% केस में कि इनके बीच का जो अंतर होता है सब में समान होता है, सिर्फ एक विकल्प को छोड़ के और उसी को ही हमें टिक करना होता है। तो उस आधार पर देखेंगे तो शायद आपको उत्तर न मिल पाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो उसे भी आप कभी चेक कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर में अंतर के ही आधार पर होता है। लेकिन अगर अंतर के आधार पर न मिले तो आप इस आधार पर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये सब फंडे आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठाना चाहिए ताकि आपको परीक्षा में जल्दी जल्दी चेक करने में आसानी रहे। तो एफ आता है 6 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पे, जे है पहले, तो जे आता है 10 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, सबको जोड़िए 10 6 16 और 16 10 26 10 36 एक 37 योगफल आएगा।
फिर आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे और पी आता है 16 पे। तो 16, 10, 26, 27, 28, 28, 10, 38, माइनस 1 बराबर 37, इसका भी योगफल आ रहा है। फिर टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे। तो 20, 8, 28, 28, 10, 38, माइनस 1, यानी कि ये भी 37 आएगा। यानी हमारा आंसर यही होगा। कितना है योगफल जोड़ लीजिए, चाहे तो अगर दिक्कत है तो 10, जे, एच 8 और यू 21। तो 21, 10, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी इसका योगफल 39 आ जा रहा है। तो हमारा आंसर कुल मिला के यही होना ही था। वैसे चौथा विकल्प आपको चेक करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। अब इसमें भी फिर से बताना है कि अलग क्या है, अलग कौन है। तो इसमें भी बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, सम विषम, भाज्य अभाज, विभाज्यता और भी कई विविध प्रकार होते हैं रीजनिंग के। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फंडे आपके दिमाग में होंगे, जल्दी जल्दी आप क्लिक करके अगला 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 प्रक्रिया से आंसर चेक करेंगे। तो इसमें भी कुछ उसी तरह से है जैसा पिछले प्रश्न में था। 5 और 6, 11 और 1, सबका योगफल आपस में 12। 6, 5, 11 और 1, फिर ये भी योगफल आपस में 12। 7, 5, 12 और 1, ये हो जा रहा है आपका 13। अब इसको देखते हैं, 7, 4, 11, 1, 12, यानी सबका योगफल 12 आ रहा है लेकिन ये 13 हो जा रहा है। तो हमारा आंसर यही ना हो जाएगा, सी, जो अलग है वही पूछ रहा है, वही बता दिया हम लोग। अब इसको देखिए, उत्तर बताइए। तो देखिए, ये 32 के बदले में क्या लिखा है, सीधे 256 लिखा है, यानी कि तेजी से अंक बढ़ गया। तो या तो वर्ग होगा, या तो घन होगा, या तो गुणे होगा। तो 32 में कितने का गुणा किया जाए कि 256 आ जाए। अगर आपको पता लगाने में दिक्कत हो रही है कि कितने का गुणा करने पर 32 में कितने का गुणा किया जाए कि 256 आ जाए, या तो आप 256 में 32 का भाग दे लीजिए। तो छोटे छोटे अंकों से अगर हम भाग दें तो 8 चौके 32, 8 3 के 24, 8 2 के 16, फिर 4 8 32, यानी कि 8 आ गया। 8 आ गया तो इससे हमें ये पता चल गया कि 32 में 8 का गुणा करेंगे 32 8 है, यानी 256 होगा। यानी कि फिर 16 8 है हमारा आंसर आना चाहिए। तो 16 में 8 का गुणा करेंगे तो 16 8 है। आपको शायद 16 का पहाड़ा अगर याद होगा तो डायरेक्ट बता दीजिएगा, 16 8 128 आंसर हो गया डी। अब फिर से लग रहा है कि न्यायवाक का प्रश्न आ गया, यानी कि एक ही मीटिंग में दो न्यायवाक के प्रश्न है। पहले जमाने में एक ऐसा जमाना था कि न्यायवाक के प्रश्न SSCGD में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ये न्यायवाक भी कॉमन हो गया, हर परीक्षा में, छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो खैर, कुछ आयतने बल हैं, कुछ कर रहा है, तो हम लोग कुछ वाला चित्र ऐसे ही बनाते हैं। आयतने, कभी कभी गलत भी लिख देता, आयते होगा तो आयतने लिख दिया, आयतन ही है, आयतने बल है। कुछ प्रवाह आयतन है, कुछ प्रवाह प्रवाह आयतन, ऐसा चित्र। तो इमिर्ति भी बनता है, आपको पता ही है, बनाने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में रखिएगा कि अब सब में कुछ कुछ आपका हाँ, कुछ हाँ, कुछ हाँ, सब में सही रहेगा। अब दोनों में निष्कर्ष सही होगा तभी सही माना जाएगा। कुछ आयतने बल है, तो किसकी किसकी बात कर रहा है, कुछ आयतने बल है, तो सही बात है, इतना जो भाग है आयतने बल है, तो इसमें तो होगा ही, कुछ आयतने बल है, इतना भाग, देखिए ये और ये, तो इतना वाला जो भाग है आयतने बल का कॉमन है, दोनों ही में सही है, नहीं सही है। कुछ आयतन प्रवाह है, तो कुछ आयतन ये है, प्रवाह ये है, तो इसका ये वाला भाग जो है कॉमन है, तो इसमें तो आयतन प्रवाह इतना भाग कॉमन है ही, दोनों ही सही है। कि मिस कहाँ गया, केवल निष्कर्ष है, केवल निष्कर्ष दो, नॉन निष्कर्ष एक और भी, अच्छा एक विकल्प ही काट दिया इसने, खैर कोई बात नहीं, इसमें बी वाला विकल्प काट दिया है। तो आप समझिए कि दोनों ही सही है, बी, देखिए बी लिखा नहीं लेकिन बी आंसर है इसमें, तो बी का मतलब बस आप इतना समझिए दोनों निष्कर्ष सही है, काम से मतलब है, ये वर्तनी त्रुटि है, वाक्य त्रुटि है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। गर्वीला, गर्वीला संबंधे सरकसी, तो भ्रांति संबंधे क्या होगा,
ये पर्यायवाची संबंध है, तो भ्रांति संबंध है, भ्रम होगा। अब ये कूट भाषा का प्रश्न है, तो जब भी अक्षर के शब्द के बदले में अगर अंक लिखा जाए तो 80% केस में यही होता है कि योगफल होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि योगफल जितना आता है उसका आधा यहां पे होता है, कभी कभी योगफल जितना आता है उसका दुगुना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस दिए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर का योगफल लिख देता है। तो इन सभी तरीकों से देख लीजिए, क्योंकि SSC GD में ऐसा प्रश्न मैंने कई देखा है। तो इन सबको जोड़िए, अगर 59 आ जाए तो फिर इसको भी जोड़ के आंसर बता दीजिए। आपको बस यह है कि याद होना चाहिए, बी है 2 नंबर पे, आई है 9 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, वाई है 25 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, एल है 12 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे। तो मेरी तरह आप लिखिएगा मत, आप लोगों का कैलकुलेशन तेज है तो ऐसे लिखिएगा मत, आप डायरेक्ट 2 और 9 11 और 3 ऐसे जोड़ते जोड़ते डायरेक्ट आप समझ जाएगा। अगर 59 है तो अब इसको जोड़िए, यानी कि 23, आई 9 नंबर पे, ये 14, फिर डी 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, फिर 23, इस सबको जोड़िए और देखिए कितना आ रहा है। तो मेरे पास टाइम नहीं, आप आराम से जोड़ के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा सी, यानी 88। अब इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना श्रृंखला परीक्षण का यह प्रश्न है, और श्रृंखला एक मध्यम गति से ही कहा जा सकता है कि बढ़ रहा है, तो ज्यादा उम्मीद है कि प्लस की क्रिया हो। तो आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आराम से बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए और लिखिए, खुद समझ में आ जाएगा। 19 में से 8 घटाएंगे तो 8, 10, 18, 19, यानी कि 11 आ जाएगा। फिर बड़ी संख्या 41 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। फिर 74 में से 41 घटाएंगे, आराम से आप ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो, 74 में से 41 ऐसे लिख के, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो 4 में से 1 निकला 3, 7 में से 4 निकला तो 3, यानी कि 33 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा यही आपको बताना होता है, तो रीजनिंग का दिमाग लगाइए और बताइए क्या आएगा। तो 11, 22, 33, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 11 का पहाड़ा है, 11 का 11, 11, 22, 11, 33, यानी 11, 44, यानी कि 8 में 11 जोड़ने पर 19, 19 में 22 जोड़ने पर 41, 41 में 33 जोड़ने पर 74, तो 74 में 44 जोड़ने पर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो 4, 4, 8, 7, 4, 11, 7, 4, 4, 4, 8, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 22, 11, 34, 74 है, 4, 4, 8, 118, कोई विकल्प अच्छा है तो विकल्प ये है, विकल्प सी हमारा आंसर है, आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि SSC GD के लिए ऐसे रीजनिंग के वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।